तेरी खाक में है अगर शरर तो ख्याल फ़क्र व गना न कर कि जहाँ में नान शाइर पर है मदारी कुव्वत हैदरी। जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग डिग्री पर काम शुरू किया या ये कहें कि मुझे इस पर मजबूर किया गया तो इससे पहले ही मैं इसी तरीके से पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशंस में इंग्लैंड से डिप्लोमा कर चुका था। उससे फारिग होकर मैंने कराटे के क्लासेस में शमूलियत इख्तियार की थी और रोज़ाना इसमें हिस्सा लेता था और उसमें कुछ मुनासिब सतह तक पहुँच चुका था। जर्मनी, अमरीका और इटली से आए हुए सारे इंजीनियर्स और टेक्नीशियन वापस जा चुके थे। प्लांट की मैकेनिकल और प्लांट ऑपरेशन की जिम्मेदारी पल्फाइन के एक मैनेजर मिस्टर निहाल और उसके टीम और प्रोडक्शन की जिम्मेदारी त्यूनिस से ताल्लुक़ रखने वाले मिस्टर अब्दुलरजाक को दी गई थी। इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन और कंट्रोल सिस्टम की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। यहाँ पर मैं एक इंतहाई अहम बात की तरफ हर उस शख्स की तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ जो लाइफ साइंसेस से दिलचस्पी रखता हो। मैं ज़िंदगी की के इब्तदाई दिनों से बचाव और तहफ्फुज को हमेशा हर चीज़ से ऊपर रखता हूँ। पाकिस्तान में जहाँ मुमकिन हो दो गन्स रखता हूँ, कई किस्म के चाकू, टूल्स, कुल्हाड़े, डंडे और इस किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के औज़ार हर वक्त हाथ के करीब होते हैं। सऊदी अरब में लकड़ी के डंडे गाड़ी में मुख्तलिफ़ जगहों पर पड़े होते हैं जिसको किसी भी वक्त तरफ से आसानी से उठाया जा सकता है। बहरहाल ये तमहीद मैंने एक तकनीकी ज़रूरत के लिए बांधी है। मैं कम से कम वक्फ़ों के साथ प्रोग्राम्स का बैकअप बनाता हूँ और उनको मुख्तलिफ़ जगहों और मुख्तलिफ़ लोगों की तहवील में रखता हूँ ताकि किसी ख़राबी या तशद्दुदगी वगैरह की सूरत में काम आसानी से दोबारा चलाया जा सके। जब प्लांट पूरी तरह तीनों शिफ्टों में चलने लगा तो मैंने प्रोग्रामिंग यूनिट के लिए पहियों वाला एक टेबल बनवाया। जब कोई ख़राबी पेश आती तो वही टेबल पुश करके मशीन के कंट्रोल पैनल के पास ले आता, मशीन में प्रोग्राम का स्टेटस चेक करके किसी मिसिंग सिग्नल का पता चलाकर ऑपरेटर से दुस्तगी करवाता, वही सेक्शन मिनटों में चलवा देता। यह अमल मालिक, मैनेजमेंट और मेरे लिए तो इत्मीनान का बाइस था मगर ऑपरेटर्स के लिए इसका मतलब बग़ैर आराम के मुस्तकिल काम करना था। उन्होंने बाकायदा इस पर काम शुरू किया कि मशीनों को कंट्रोल सिस्टम की तरफ से ख़राब करके आराम कैसे करेंगे और मशीन की बंदिश की जिम्मेदारी इस तुरमखान पाकिस्तानी पर कैसे डाली जाएगी जिसको नाकाम बनाना आज तक सबके लिए नामुमकिन था। जब मैं प्रोग्रामिंग या ट्रबल शूटिंग का काम करता तो ऑपरेटर्स का हेड एक कुर्सी लेकर मेरे पहलू में बैठा रहता था। इस तरह वो प्रोग्रामिंग यूनिट की बुनियादी फंक्शंस और ख़ास तौर पर किसी चीज़ को डिलीट करना अच्छी तरह सीख गया था। एक दिन सुबह जब मैं अपने ऑफिस में आया तो टेबल पर प्रोग्रामिंग यूनिट की पोजीशन कुछ मुख्तलिफ लगी। मैंने सोचा हो सकता है रात को कोई मेरी कुर्सी पर सोया हो तो यूनिट को आगे पुश किया होगा। कुछ देर के बाद एक ऑपरेटर ने शीशे के विंडो पर दस्तक दी और इशारे से बताया कि मशीन बंद है। मैं टेबल पुश करके मशीन की तरफ ले गया। पता चला कि मशीन में कोई प्रोग्राम ही नहीं है। बज़ाहिर ये ख़ुद ब खुद मुमकिन नहीं था कि प्रोग्राम डिलीट हो जाए। टेबल के ऊपर पड़े हुए डिस्क से मैंने प्रोग्राम लोड करने की कोशिश की। हैरत हुई कि उसमें भी प्रोग्राम नहीं था। मैं सोच कर मुस्कुराने लगा कि क्या हुआ है और कोई कहाँ तक डीप गया है। मैंने टेबल की दराज से एक बैकअप डिस्क निकाली, वो भी खाली थी। अब बात पूरी तरह मेरी समझ में आ गई थी मगर ये वक्त किसी को इल्ज़ाम देने का नहीं था। मैं पहले मशीन चलाता तो कोई मेरी बात सुनता। प्रोडक्शन मैनेजर से अलहदगी में बात करके एक दोस्त की गाड़ी लेकर मैं अपने रिहाइश पर गया और अपने सूटकेस में रखा हुआ एक आखिरी बैकअप ले आया और मशीन चला दी। ऑपरेटर्स को बिल्कुल इसी अंदाज़ में इशारे से बुलाकर बताया कि मशीन चल रही है। इस तरह एक और मौके पर जब एक कंट्रोल प्लग निकालकर मसनूई तरीके से ब्रोकन केबल की ख़राबी लाई गई और चूहों के नज़र आने का जिक्र करके प्लांट को रोक दिया गया तो प्रोडक्शन मैनेजर मेरे साथ ख़ुद बाईपास सिग्नल्स केबल बचाकर मेरी मदद कर रहा था। जब एक घंटे की मेहनत के बाद हमने 10 बाईपास वायर लगाए और सिस्टम ने अगला फॉल्ट जाहिर किया तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि क्या हुआ है। एक 50 पिन वाला प्लग जिसके साथ लॉकिंग मैकेनिज्म भी होता है और कभी भी हादसाती तौर पर ओपन नहीं हो सकता, खुला पड़ा हुआ था। जब मसला हल हुआ तो मैं पसीने से शराबोर था।
मगर मेरे कपड़ों पर इस पसीने में मेरे बेशुमार आंसुओं के साथ अब्दुलरज़ाक साहब के आंसू भी शामिल थे जो मुझे सीने से लगाकर तसल्ली दे रहा था कि बेटा सब्र करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, इंशाल्लाह तुम्हारे बदख्वाह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। और अब्दुलरज़ाक साहब की ये बातें 100% सही साबित हुई हैं। कुवैत पर इराकी हमले के बाद खित्ते की सूरतेहाल में मुख्तलिफ तब्दीली आनी शुरू हो गई थी। खलीज में मुख्तलिफ ताकतों की अफवाज जमा हो रही थी। मैं पिछले 7 साल दोस्तों के साथ उम्रा करके आ गया था, इस साल हज का इरादा था। हमारे कराची के वक्त के साथी और आलिम दीन मौलाना नूर फरीन शाह साहब ने रियाद में एक आध हफ्ते में मुलाकात होती रहती थी। इस दफ़ा जब हज की मौजू पर बात हुई तो उन्होंने ज़ोर देकर कहा था कि हज की अदायगी के बाद अगरचे आप बाल तरशवा भी सकते हैं मगर सर और मुंडवा भी सकते हैं, मगर आप लाजमी मुंडवाएं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के बाद सर मुंडवाने वालों के लिए 3 दफ़ा दुआ फरमाई है। मैं नहीं मुंडवाऊँगा क्योंकि हज के बाद मैं पाकिस्तान छुट्टी पर जा रहा हूँ। अब मैं गंजा तो नहीं जा सकता, मेरे पास गंजा होने की भी एक तारीख़ थी। मेरे वालदा को गंजे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए बचपन में जब कभी मेरा वालदा से कोई झगड़ा होता था तो मैं दरवाज़े के बाहर जाकर धमकियाँ देता था कि मैं बाल मुंडवा कर आता हूँ। वालदा पहले तो धमकी देती थी कि अगर गंजे हो गए तो फिर इस घर में नहीं आना, मगर फिर कुछ बातचीत के बाद सुलह की कोई सूरत निकल आती थी। हज के दौरान मीना में कराची के कुछ जानने वाले लोग मिले जो रियाज में सऊदी सरामिक्स में काम कर रहे थे। कुर्बानी के बाद जब सारे दोस्त लाइन में लग कर गंजे होने लगे तो मुझे भी शर्म महसूस हुई कि नाम का मुसलमान और हर वक्त जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने वाला शख्स असल में बालों तक की कुर्बानी नहीं दे सकता, सो गंजा हो गया। इन्हीं दोस्तों ने हज के बाद अपनी रिहाइश का विज़िट करने की दावत दी थी। हज से वापसी पर एक दिन असर के बाद मैं उनके पास गया। मगरिब के वक्त जब हम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाने लगे तो इन दोस्तों ने एक साथी की तरफ इशारा करके बताया कि नमाज के बाद हम दरस कुरान की क्लास में बैठेंगे, आप इस साथी के साथ वापस आ जाएं। मगर मैं भी नमाज के बाद दरस में बैठ गया। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़ौन उजूरकुम यौमल क़ियामति फ़मन ज़ुख्ज़िहा अनिन नार व उद्ख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताअल ग़ुरूर। हर जान मौत का मज़ा चखने वाली है और क़यामत के दिन तुम अपने बदले पूरे पूरे दिए जाओगे। बस जो शख्स आग से हटा दिया गया और जन्नत में दाखिल किया गया बेशक वो कामयाब हो गया, और दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ धोखे की जिन्स है। मौलाना अमीर मोहम्मद अल्लाह उनकी माफ़रत फरमाएँ और जन्नतुल फिरदौस में जगह था फरमाएँ ने इस आयत की तिलावत और तर्जुमे से दर्स का आगाज़ किया था। अगरचे मैं तर्जुमे वाला कुरान ख़ुद कई दफ़ा पढ़ चुका था मगर किसी उस्ताद के पढ़ाने से ये सब कुछ सुनकर जहन में एक ऐसी अजीब रोशनी ओद कर आई थी
जिसका इजहार अल्फाज में अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। मैं रोज़ाना इनके दर्स में शरीक होता रहा। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दोस्तों शक्ल सूरत और बातचीत में कुछ मुसबत आसार नज़र आने लगे, जिन्हें महफिलों में लोग महसूस करने लगे। अगरचि मैं बचपन से मेहनत, सच और दयानत की मौजूदात से वाकिफ़ था और साथ साथ उन पर अमल पैरा भी था, मगर अब इन खूबियों की असल शक्ल ज़ाहिर होना शुरू हो गई थी। इन दिनों रात को उठने की आदत भी पड़ गई और साथ साथ एक और अजीब तब्दीली आई थी, वो तवातुर के साथ छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सच्चे ख्वाब थे। होता यह था कि मैं ख्वाब में कोई लिफाफा देख लेता, मिसाल के तौर पर वो किसी के लिए डाक से आया होता था, मैं उस शख्स को सुबह बता देता, फिर ये होता कि वो शाम को वाकई वही लिफाफा मुझे और बाकी लोगों को दिखाकर हैरत का इजहार करता। फिर हम दोस्तों ने आपस में इसको शुगल का ज़रिया भी बना दिया, दोस्त किसी साथी का बताते कि आज उसको ख्वाब में मुर्दा देख लो वगैरह वगैरह। एक दिन हमारी कंपनी के ड्राइवर को मैंने ख्वाब में गाड़ी टकराते हुए देखा। सुबह मैंने एक साथी से जिक्र किया कि इसको बता देते, उसने कहा कि सुबह सुबह इस बात का बुरा मना लेगा, एक तो ये हिंदू भाई है इसलिए सोचेगा कि पाकिस्तानी मजाक उड़ा रहे हैं। बहरहाल वो ड्राइवर मुझे दोपहर में ऑफिस में मिला तो मैंने उसको बताया कि एहतियात करना, मैंने इस तरह ख्वाब देखा है। वो हंसने लगा, कहता है कि तुम लेट हो गए, कह रहा था कि आप लोगों को ड्रॉप करके जब मैं किसी और को लेने जा रहा था तो अजीज़िया में गाड़ी किसी से टकरा दी, मगर शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये कोई 2 महीने का दौरानिया था कि ये ख्वाब मुझे नज़र आते थे, फिर यह सिलसिला ख़त्म हो गया। एक तरफ जंग की तैयारी जारी थी, दूसरी तरफ मैं पाकिस्तान छुट्टी पर जा रहा था। दिल में एक खलिश सी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग सोचें कि जंग से भाग गया। बहरहाल वही हुआ जिसका डर था। मैं पैन एम की जिस फ़्लाइट से कराची पहुंचा, उस कंपनी के आखिरी फ़्लाइट में से एक थी। जंग शुरू हो गई थी, रियाद पर पे दर पे स्कड मिसाइलों के हमले हो रहे थे, जिसका हमें ख़बरों से पता चलता था। हर हमले के बाद मुझे कलक होता था कि अपने साथियों और प्लांट को छोड़कर आ गया हूँ। बहुत मुश्किल से छुट्टी गुजार कर मैंने वापस जाने की तगुदो शुरू कर दी। पागल हो गए हो, लोग जंग से भागते हैं और तुम जंग के जोन में जा रहे हो, ये जुमला अपनों परायों दोस्तों से बार बार सुना था। पैनम बंद हो चुकी थी और रियाज के लिए कोई जहाज़ मौजूद नहीं था। मैंने जद्दा के लिए बुकिंग कराई और एक दिन जहाज़ में बैठकर जद्दा पहुंच गया। एक दोस्त मुझे बस स्टॉप पर ले गया, जहां से मैं बजरिए बस रियाद के अलबत्ता बाज़ार में पहुँच गया। यहाँ पर हु का आलम था, गली महल्ले बाज़ार बिल्कुल खाली थे। जब मैं अपनी रिहाइशगाह पर पहुंचा, तो कोई एक शख्स भी वहां पर मौजूद नहीं था। अब मुझे भी लगा था कि शायद मैंने वापस आकर गलती की। रिहायशी विल्ला लॉक्ड था, इर्द गिर्द कोई भी नहीं था। कुछ देर इंतज़ार के बाद मैं कुछ फासले पर एक दोस्त के पास गया जो दर्जी का काम करता था। उसने बताया कि हवाई हमलों से बचाव के लिए सारी फैक्ट्रियां रात को बंद रखी जाती हैं और सारे लोग सिर्फ दिन में काम करते हैं। मैं शाम तक उस दोस्त के पास रहा। शाम को रिहाइश पर आया तो कुछ देर के बाद हवाई हमले का अलार्म बजा। हम लोग दौड़ कर बाहर आए और देखने लगे। हमसे कोई 5 किलोमीटर जुनूब में एक आयल रिफाइनरी के ऊपर एक
मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए दो पेट्रियाट मिसाइल बढ़े, एक निस्कड मिसाइल को तबाह किया और दूसरा कुछ दूर जाकर सेल्फ डिस्ट्रक्ट हुआ। ये गोली से गोली को मारने का एक टेक्नोलॉजिकल मुजाहरा था जो मैंने पहली दफ़ा अपनी आंखों से देखा था। इस रात एक और हमला भी हुआ था जो इस सिलसिले का आखिरी हमला साबित हुआ। उसी रात इत्तेहादी फ़ौजियों ने ज़मीनी हमला किया था जिसके नतीजे में कुछ वक्त में कुवैत आज़ाद कर दिया गया था। जंग ख़त्म हुई, हम अपने अपने कामों में लग गए। मैंने अपना इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का थीसिस मुकम्मल करके सबमिट किया और अब डिग्री का इंतज़ार कर रहा था। मेरा थीसिस प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स इन कैन मेकिंग इंडस्ट्री के बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पर था जिसमें मुझे बज़ात खुद महारत हासिल थी। इसमें तफसील से PLCs के इस्तेमाल, प्रोग्रामिंग और बाकी कंट्रोल सिस्टम्स के साथ उनकी इंटीग्रेशन पर बहस हुई थी। इस थीसिस की दो ओरिजिनल कापियाँ मैंने इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर से बनाई थी और उसमें प्रोग्राम के सेगमेंट्स भी प्रिंटर से प्रिंट किए गए थे। एक कापी मैंने यूनिवर्सिटी को भेज दी और दूसरी अपने पास रखी, फिर पाकिस्तान ले गया। वो कापी घर शिफ्ट करते हुए कहीं इधर उधर हो गई। मुझे जब इन चीज़ों से फुर्सत मिली तो मैंने मज़ीद ट्रेनिंग और सीमेंस के सिस्टम की मज़ीद मालूमात के लिए लोकल सीमेंस को ख़त लिखा। जवाब में मुझे सीमेंस रियाद ऑफिस से उनके मैनेजर की तरफ से मुलाकात का पैगाम मिला। याद रहे कि इन दिनों मुवासिलात का ज़रिया फिक्स्ड फ़ोन थे, टेलेक्स था या फिर नई नई आई हुई फैक्स मशीन थी, मगर ख़त उस वक़्त सबसे मौसर ज़रिया था। घर अक्सर ऑडियो कैसेट भेजे जाते थे। सीमेंस में मेरी मुलाकात मिस्टर खलील हूरी से हुई थी जिसको बाद में जॉब इंटरव्यू में बदल दिया गया। मेरे साथ जो बातचीत हुई उसके बाद मिस्टर खलील हूरी ने बताया था कि सीमेंस के जो सिस्टम्स मौजूद हैं इन पर काम करने का आपका जो तजुर्बा है इसमें मज़ीद किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। अगरचे मैंने इस मुलाकात की कोई ख़ास अहमियत नहीं समझी थी, मगर कुछ दिनों के बाद मुझे सीमेंस के प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए जॉब ऑफ़र मौसूल हुई जिसमें यह कहा गया था कि अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हुए तो आपके लिए वीज़ा का इंतज़ाम किया जा सकता है। तनख्वाह से कोई तीन गुना ज़्यादा थी। फिर कई महीने तक कोई पेशरफ नहीं हुई। एक दिन मैंने सीमेंस का ऑफिस फ़ोन करके पता किया तो उन्होंने पर्सनल मैनेजर मिस्टर आसिम नक्शबंदी का बताया कि वो रियाज में हैं और कुछ वक्त में अलखबर के लिए रवाना हो रहे हैं, आप आकर मुलाकात कर लें। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस से निकल रहे थे, खड़े खड़े मुझसे बात की, अपना बिजनेस कार्ड दिया, पाकिस्तान पहुंचकर फैक्स से रब्ता करने का कहा। एक बार फिर सफ़र की तैयारी शुरू हुई। मौजूदा जॉब से इस्तीफ़ा दे दिया जिसके कबूल करने में काफ़ी तरद्दुद हुआ और कई दिन लगे और एक ख़ास प्रोसेस से गुजर कर ही वो मेरे चले जाने पर रजामंद हुए। कराची में दो हफ्ते गुजार कर मैंने सीमेंस को फैक्स भेजा। इसके जवाब में दूसरे दिन AB मिर्ज़ा नामी ट्रेवल एजेंसी से मुझे पैगाम मौसूल हुआ कि आप आकर वीज़े के लिए अपना पासपोर्ट जमा करा दें। कुछ दिन बाद पासपोर्ट और टिकट मिला। 13 मार्च 1992 को कराची एयरपोर्ट पर मोहम्मद एहसान से मुलाकात हुई थी जो मेडिकल इक्विपमेंट इंजीनियर थे और उनकी भी सीमेंस जद्दा में अपॉइंटमेंट हुई थी। जद्दा पहुँचने पर हमें एक 4-स्टार होटल सैंड्स में ले जाया गया जिसमें सीमेंस की तरफ से दो हफ्ते के लिए हमारी आरिजी रिहाइश का बंदोबस्त किया गया था।
इसी रोज़ शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मानो मकान और भी हैं। सीमज में मेरी अपॉइंटमेंट बज़ाहिर एक आम सी बात लग रही थी, मगर इसको मैं एक और तनाज़ुर में देखता हूँ। मक्का मुकर्रमा में मस्जिद अल हराम के जुनूब में एक बड़े कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका था, जिसका इलेक्ट्रो मैकेनिकल काम सीमज को मिला था। ये उस ज़माने में सीमज का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसकी सिर्फ सीमेंस के लिए मालियत कोई 300 मिलियन सऊदी रियाल्स थी। आजकल इसकी पोजीशन क्लाक टावर की वजह से दूसरी हो गई है। इन दिनों हर शोबे के मुसलमान लोग मक्का मुकर्रमा में काम के लिए मौजूद थे, मगर इस कम्प्लेक्स की खुदकारी ऑटोमेशन सिस्टम के लिए ऐसी महारत दस्तियाब नहीं थी, जिसकी बिना पर किसी गैर मुस्लिम को खसूसी इजाज़त दिए बग़ैर ये काम सरंजाम पाता। मेरी अपॉइंटमेंट इसी सिचुएशन को सामने आने से रोकने की कोशिश की कड़ी थी। मुझे हालात की नज़ाकत का बखूबी एहसास था। इस वक्त सीमेंस के लीडरशिप का प्लान ये था कि मुझे और मेरी टीम में कुछ लोगों को इस हद तक तरबियत दी जाए कि जर्मनी से आए हुए जर्मन माहिरीन को जद्दा में रख कर उनकी मदद से या फिर कुछ जर्मन लोगों को मुसलमान बनाकर ये काम सरंजाम दिया जाए। मेरे जहन में कुछ और था, मुझे अल्लाह के वादे पर पूरा यकीन था। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिद अल हराम बाद आमहिम हाज़ा व इन खिफ्तुम आइलतन फसौफ़ युनीकुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही इंशा इन्नल्लाह अलीमुन हकीम। ऐ ईमान वालों, बेशक मुशरिक बिल्कुल ही नापाक हैं, वो इसी साल के बाद मस्जिद अल हराम के करीब भी नहीं पुटकेंगे। अगर तुम्हें मुफलिसी का खौफ हो तो अल्लाह तुम्हें दौलतमंद कर देगा अपने फ़जल से, अगर चाहे। अल्लाह इलम और हिकमत वाला है। यहाँ गनी होने का मतलब वसी मानों में ये है कि आपको किसी की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए सीमेंस जद्दा के मरकज़ी दफ्तर से दूर एक दफ्तर मुख्तस किया गया था, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, इंडिया, मिस्र, उर्दन, लबनान समेत मुख्तलिफ मुल्कों से सीमेंस के दफातर से आरजी बुनियाद पर मुसलमान माहिरीन लाए गए थे। जद्दा में बुनियादी सिस्टम डिज़ाइन और केबलिंग के खुदखाल की तैयारी मुकम्मल हुई तो हम लोग जर्मनी के शहर कार्लसरुए चले गए। हमारे टीम लीडर मिस्टर हूरी हमारे साथ थे। आगे जाकर मैंने इनकी ज़िम्मेदारी संभाल ली थी। मिस्टर हूरी पूरी तनदही और प्लान के साथ मुझे इस ज़िम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे थे और हर किस्म की मदद कर रहे थे। कार्लसरुए में पहली दफ़ा हमारा क़याम कोई 3 महीने रहा होगा, जिसमें हमने प्रोजेक्ट से मुतालिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन वहाँ के तजर्बाकार माहिरीन की निगरानी में बनाया। उस दौरान हमें सारे कंट्रोलर्स और उस वक्त मौजूद बुनियादी नेटवर्क सिस्टम्स और ह्यूमन मशीन इंटरफेसेस पर काम करने की तरबियत भी दी गई। इन दिनों बिल्डिंग ऑटोमेशन के लिए कार्लसरुए सीमेंस का कंप्यूटर सेंटर था और उन्होंने स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स पर अपने एप्लीकेशन बनाई हुई थी, जिसके मजमूए का नाम सिक्लीमार्ट था, जो तवील और तवातुर से होने वाले काम आसानी से कम वक्त में अंजाम दे देता था। हमारे प्रोजेक्ट में कोई 500 छोटे बड़े कंप्यूटर्स या कंट्रोलर्स इस्तेमाल किए गए थे, जो मेरे अब तक के कैरियर में इस लिहाज से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। कार्लसरुए में क्राउड में घूमना फिरना मुझे कुछ मुश्किल लगता था और वहाँ लोगों की कम लिबासी की वजह से खौफ महसूस होती थी। इस वजह से अक्सर नमाज भी कमरे के अंदर पढ़ता था, छुट्टी के दिन दरिया के किनारे घूम फिर कर वक्त गुजारता था, या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कुछ शामी दोस्तों से मिलने चला जाता था। यहाँ पर बाज़ार और कारोबार एक सख्त टाइम टेबल के मुताबिक काम करते थे और ग्रोसरी वगैरह लेने के लिए शाम 6 बजे से पहले जाना ज़रूरी था। शहर के बीच में एक पुराना महल एक मशहूर विजिटर्स अट्रैक्शन की जगह है और उसके इर्द गिर्द वसी गरीज पार्क घूमने फिरने के लिए बेहतरीन है। शहर का नक्शा कुछ इस तरह है कि महल में खड़े होकर आप हर गली को देख सकते हैं। आइंदा 9 सालों में मेरा ज़्यादातर वक्त जर्मनी के बाकी बहुत सारे शहरों के अलावा कार्लसरुए में भी गुजरा और इस शहर की गली गली और मज़ाफात से अच्छी खासी वाकिफियत हो गई। जर्मन दोस्त बने, जिनमें से कुछ अभी तक रबते में हैं। डिज़ाइन का काम ख़त्म हुआ और मैं जद्दा वापस आ गया। फिर चराग लाला से रोशन हुए कोह दमन,
मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन। फूल हैं सहरा में ये परियां कतार अंदर कतार, उदे उदे नीले नीले पीले पीले पैरहन। बरगे गुल पर रख गई शबनम का मोती बादे सुबह, और चमकाती है इस मोती को सूरज की किरण।